घर में जाके फांसी लगा। बहन जो उषा थी हम लोग के बीच आज नहीं रही, वो उनका मुँह के कारण है, वो बिंदी लगा के मात्र स्कूल गई थी, उसे दो तीन झापड़ मार के उसे बेइज्जत करके वहाँ से भगाती हो। तुम अपनी बेटी को भी बर्तन मांगना सिखाओ और यही करवाओ, तुम्हारा टीसी कल तुमको भिजवा दे। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा मतलब आप सबके लिए है। आप सबसे मदद की ज़रूरत पड़ी है, किसी माँ को, किसी बेटी को और किसी समाज को बोल सकते हैं, और झारखंड को और हिंदुस्तान को, और बस आप ही लोग सब कर सकते हैं। सपोर्ट के ऊपर ही सब कुछ है, सपोर्ट एक दूसरे का करने से ही सपोर्ट आगे बढ़ता है और उनको इंसाफ मिलेगा। तो आप लोग सोचते होंगे कि इंसाफ की बात क्या चल रही है। तो आज गए थे हम लोग मंदिर, और मंदिर थोड़ा दूर गए थे, चिरका धाम जो बंगाल में पड़ता है। तो हम लोग पूरा फैमिली गए हुए थे, तो उसी बीच हम लोग को कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला। तो भारत का तिरंगा झंडा लहराते हुए कुछ व्यक्ति रोड में चल रहे थे, पैदल चल रहे थे। कोई उन लोग के साथ साधन नहीं था, ना ही साइकिल, ना ही गाड़ी, ना ही कार, कुछ नहीं था। तो हमने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब हमारा देश का झंडा लेकर के कुछ बात है क्या? और हमारा देश का झंडा क्या होता है कि उसी वक्त लिया जाता है जो कभी मुसीबत में होता है। तो उन लोगों ने बहुत अच्छा बात बोला, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा उनका बात भी। तो वहाँ कुछ फोटो था उनका, मतलब जैकेट में उषा नाम करके लड़की थी, धनबाद की हैं। एक बिंदी ने ले लिया, समझिए उनका जान। स्कूल गई थी बिंदी लगा करके, और टीचर ने इतना बेइज्जती कर दी लड़की को, आ करके फांसी लगाना पड़ा। क्लास 10 की लड़की थी, मतलब क्लास 10 की लड़की थी, आधी 10 की लड़की मतलब मान्यता रखता है, कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। तो आज हम आप सबसे नहीं बोलेंगे कि आप मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं बोलेंगे आज। आज सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे कि आप लोग एक कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उस माँ को इंसाफ मिल सके और उसके आत्मा को भी शांति मिले, अभी मिले। क्योंकि लेटर में वो साफ साफ जो जो लोग उसको मतलब टॉर्चर की है, इतना बेइज्जती करी है, वहाँ पर सब नाम दिया हुआ है, क्योंकि सुसाइड नोट लिख करके गई हुई थी, वो लिख करके छोड़ के गई है। उसके मन में और उसके बहुत सारा बात चल रहा था, जो अपना जान को गवा बैठी। तो हम झारखंड के कितने भी रिपोर्टर जितने भी हैं, सबसे रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं कि आप लोग एक बार जाइए, उस माँ का बात सुनिए, और आप लोग आवाज़ उठाइए। आप लोग क्यों बंद हैं भाई? आप लोग आवाज़ नहीं उठाइएगा तो कैसे होगा ये? आप लोग एक एक आदमी, एक एक चाहिए आ जा करके उनका बात रखिए, मान रखिए, इंसाफ दिलाइए। आज ये लोग पैदल जा रहे हैं धनबाद से लेकर के रांची तक, पता है उनका कोई रिलेशन नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि उस सबकी बेटी है, पूरा हिंदुस्तान की बेटी है, सबकी हिंदुस्तान की बेटी बहन है वो। उनका फादर भी नहीं है, एक साल पहले गुजर चुके हैं। आदि आप लोग एक एक आदमी ध्यान दीजिएगा तो हो सकता है। तो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप लोग वीडियो देखिए पहले, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। और सर्च मारिए आप लोग कि ऐसा क्या घटना हुआ है धनबाद में, और जानते होंगे क्योंकि कुछ कुछ रिपोर्टर भी हैं ऐसे जो पूरा अथी किए हैं, थाना पुलिस भी केस वहाँ पर सब देखे हम। तो ठीक है, आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, एक चीज़ हम लोग को अभी रास्ता में ही जा रहे थे, तो बहुत दुख घटना है ये चीज़। तो यूट्यूब में, पूरा फेसबुक में, मतलब जहाँ मैं वहाँ मतलब पूरा तरह से छाया हुआ है। एक इंसिडेंट हुआ था इनके साथ, उषा नाम की लड़की थी, कहाँ की थी वो? तेतुलमारी। अच्छा, तो उनके साथ क्या हुआ था ज़रा बता सकते हैं? बहन जो उषा थी हम लोग के बीच आज नहीं रही, वो उनका मुँह के कारण है, वो बिंदी लगा के मात्र स्कूल गई थी, और बिंदी लगाने के कारण सिंधु मैडम जो थी वहाँ की, वो सिर्फ पूरा मतलब बेइज्जती की और टॉर्चर की, और टॉर्चर करके वो प्रिंसिपल के पास वो रोते हुए गई लड़की, और प्रिंसिपल को भी बोली तो प्रिंसिपल भी उसे दो तीन झापड़ मार के उसे बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया। फिर उसकी माँ जो वहाँ गई उसके साथ,
स्कूल में, तो प्रिंसिपल ने कहा कि तुम जो बर्तन मांजती हो तुम अपनी बेटी को भी बर्तन मांजना सिखाओ और यही करवाओ, तुम्हारा टीसी कल तुमको भिजवा देंगे। तो यही दुख मेरी बहन जो है नहीं सह पाई और बहुत घर में जाके फांसी लगा। वो आपकी बहन है ये? मेरी बहन नहीं, मतलब समाज की बहन। हाँ, समाज की बहन, सबकी बहन है, पूरा देश की बहन। तो फांसी लगा ली। उसके बाद प्रशासन ने, अभी 16 दिन हुआ प्रशासन ने अपना रवैया दिखाया। उसके बाद 16 दिन में 10 दिन के अंदर ही केस को डिसमिस कर केस को बंद करवा दिया, फेल कर। उसी के उनके लिए हम लोग तेतुलमारी से लेकर रांची जो राजभवन है वहाँ तक हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। देश का झंडा भी ये देख सकते हैं लहरा रहा है, तो इनके शान के लिए तो आप लोग इनके उषा के लिए और उनके माता पिता के लिए आप लोग एक आवाज़ जरूर उठाइए, इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए ताकि उनको सज़ा मिले। और हम एक बार नहीं कई बार देख चुके हैं फेसबुक में, यूट्यूब में, कि इनको देखें तो हम लोग रुक गए। और देखें आशा है बहुत ही, मतलब लड़की और ये चीज़ में देखे हैं। पहला बात क्या होता है कि उनको इंसाफ सबसे पहले बात की मिलना चाहिए ताकि हर एक बच्चा के साथ ऐसा ना हो और सारे हर एक बच्चा माँ बाप हर एक बच्चा को ना खोए। और स्कूल का सवाल और आवाज़ उठाइए आप लोग और उनको सज़ा मिलना चाहिए। और शायद उन प्रिंसिपल को हम शायद देखे भी हैं, मतलब वो वीडियो में बहुत ही, मतलब चाव से, बहुत घमंड से बात करती हैं, हम देखे हैं। तो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं इसके लिए आवाज़ उठाइए एक बार और शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो ठीक है, अभी वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं।